सो ये गाइस गुड मॉर्निंग, और आज की सुबह बहुत अच्छी हुई है क्योंकि आज मैं अपने चैनल पे पहली बार आ रहा हूँ और फेस करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, और कुछ सवाल हैं जो आप लोगों से बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट किए हैं और मेरा आज इस चैनल पर आने का एक ही मकसद था और एक ही मोटिव है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया हमारे एक वीडियो को जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इस समय। सो वो वीडियो हमारा फेयरवेल का वीडियो था। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था या फिर 11th में पढ़ता था तो हमने एक फेयरवेल किया था जिसमें हम सभी ने डांस किया था, और वो वीडियो आज आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं उस वीडियो को। सो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसके भी मैं जवाब दूंगा क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं कि मतलब भैया ये वाले वीडियोस नहीं आ रहे, भैया इसका म्यूज़िक मेरे को भेज दीजिए, इसका ऑडियो नहीं मिल रहा है, इसका ऑडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें वेबसाइट में मैंने उसका लिंक डाला हुआ था तो वो कुछ डाउनलोड नहीं हुआ था, वहाँ पर भी कोई इशू आ रहा था। सो वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या इशू है उसमें, और मैं आपको सारे सॉल्यूशन सभी बताऊँगा। और देखो इसमें जो आपका म्यूज़िक वाला है ना, वो मैं इस वीडियो के लिंक में सारी म्यूज़िक की लिस्ट दे दूंगा जो भी म्यूज़िक उसमें यूज़ हुए हैं, और अगर उसको आप लोग ट्रिम करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा तो बन जाएगा वैसे तो, और ज़्यादा इजी है। मैंने सारे म्यूज़िक और क्लिप्स, साउंड इफेक्ट, सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं, तो आप लोग उसको डिस्क्रिप्शन में से देख लीजिएगा। अभी मैं कॉलेज में आ चुका हूँ और कॉलेज में मेरा यहाँ पे सेकेंड ईयर चल रहा है, और फर्स्ट ईयर में था जब मैं तो पूरा लॉकडाउन था, कोरोना था तो कुछ भी नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारा कोरोना में फेयरवेल पूरा ख़राब हो गया, मतलब फेयरवेल में कुछ भी नहीं हुआ हमारे। और अभी भी कुछ लोग बता रहे हैं कि हमारा मतलब फेयरवेल इस टाइम भी लोग नहीं करवा रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्कूल्स नहीं करवा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सारे स्कूल्स को कराना चाहिए क्योंकि ये लास्ट डे होता है बच्चे लोगों का, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन लोगों की यार अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ दोस्त बिछड़ जाएंगे, कुछ दोस्त साथ में रहेंगे, कुछ कॉलेज में साथ में जाएंगे। सो इसे हम लोगों को एक यादगार दिन बनाना चाहिए। और ये जो हमारी जर्नी होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा मस्ती वाली भी होती है। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी चीज़ें करी होती हैं, कुछ ख़राब सी चीज़ें करी होती हैं। सो दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन अब एक टाइम पे आप लोग याद भी करोगे, नहीं यार हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे, कुछ मज़ा आया था, हम लोगों ने कुछ ऐसा भी किया था, स्कूल की लाइटें फोड़ी थी, बेंचेस तोड़ दी थी, स्कूल में बम उड़ाया था, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भी की है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि मतलब ये वीडियो इतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। पहले मैं मोबाइल में ना स्टोर करके उसको यूट्यूब में डाल दिया करता था क्योंकि यूट्यूब में लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें रह जाती थी, इसके लिए मैं यूट्यूब में उसको स्टोर कर देता था, और बस इतना ही मेरा था। और मुझे मतलब थोड़ा सा भी पता नहीं था कि ये वीडियोस लोग भी देखते हैं, बट आज वो चीज़ हो रही है और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब क्योंकि है ना, फिर ये जो स्कूल की स्टोरी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखी है ना, वो स्टोरी अगर मैं बाद में जाकर देखूंगा सो वो हम लोग याद आएगा कि यार बचपन में हम लोग कुछ इस तरीके से भी करते थे, इस तरीके से रहते थे। सो ये सारी चीज़ और हमारी फ़ोटोज़ भी इसमें आएंगी ना, सो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें जब हम लोग कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देखेंगे या फिर हमारी कुछ लाइफ स्टोरी को देखेंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी YouTube में, अपने मोबाइल की जगह इसको YouTube में अपलोड करना ज़्यादा प्रेफर किया। और अभी भी मैं एक्चुअली में ऐसा ही करता हूँ क्योंकि ये एक लाइफ टाइम स्टोरेज जैसा काम करता है, तो मैं एक्चुअली में वही उसी की वजह से मैं YouTube में वीडियोस डालता हूँ। मेरा इसमें कोई ये भी नहीं रहता, मतलब मैं YouTube में एक वर्क कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं है, बट मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ वीडियोस, और लोगों को भी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं। और दूसरी चीज़ मैं ना कॉलेज के रिलेटेड कुछ चीज़ें डालता हूँ, मतलब कॉलेज के रिलेटेड व्लॉग होते हैं, हॉस्टल के रिलेटेड, हम लोग हॉस्टल में किस तरीके से रहते हैं, और कुछ लाइफस्टाइल व्लॉग भी होते हैं मेरे, मतलब मैं फैमिली के साथ में किस तरीके से रहता हूँ, और फिर कॉलेज में हॉस्टल फ्रेंड्स क्या करते हैं सारे। सो वो सारी चीज़ें डालता हूँ क्योंकि आप लोग भी अभी हॉस्टल में आने वाले होंगे, कॉलेज में आने वाले होंगे, बाहर जाने वाले होंगे कुछ लोग। सो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और वो सारी चीज़ आप लोग जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं मैंने। और हाल ही में अभी दुनिया के हम लोग सबसे बड़ी सिबलिंग देखने के लिए गए थे सारे कॉलेज फ्रेंड्स मिलके, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है ना। लेकिन हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल में स्पेस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और यूट्यूब में मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा इस वीडियो की, और इसके बाद आप इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग इसको पूरा वॉच कर सकते हो। सो
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों को ऑडियो और म्यूजिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और आ रही है तो आप लोग वापस से मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं एक बार आप लोगों को उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट आई थिंक कि अब इस बार आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम और इशू नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ एक मैसेज देना चाहूँगा। वो मैसेज ये रहेगा कि अपने ड्रीम के लिए आपकी जो कॉलेज लाइफ होगी या फिर कोई भी चीज़ें होंगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, तो अपने ड्रीम के लिए काम करना, खाली बस मुझे यहाँ पहुँचना है। और वो ड्रीम इस तरीके से होना चाहिए कि आप लोगों को एक नोट्स बनाना है, उस नोट्स में आपको 5 ड्रीम लिखने हैं जो आप पूरा करना चाहते हो, और 5 ड्रीम में से टॉप के 3 ड्रीम उस पर ही फोकस करना है, बाकी सब ड्रीम्स को मतलब गायब ही कर देना है। इस तरीके से आपको जर्नी करना है, मतलब आप जब वो टॉप के 3 ड्रीम्स को पूरे कर रहे होंगे तो पीछे के कुछ ड्रीम्स होंगे जो पूरे हो रहे होंगे। सो इस तरीके से आप काम कर सकते हो और बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहो। सो ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे और ऐसे ही व्लॉग्स, कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। सो व्लॉग्स आप लोग देखते रहना और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट कंटेंट किस चीज़ के रिलेटेड चाहिए, किस चीज़ के रिलेटेड, मतलब कि कोई भी कंटेंट होगा वो मैं यहाँ पे डालने की पूरी कोशिश करूँगा, और आप लोग उसको एंजॉय करना।